नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल की महिलाओं खासतौर पर यंग लड़कियों के बीच बॉडी बिल्डिंग करने का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये यंग लड़कियां जिम में वर्कआउट करते हुए न सिर्फ दमदार बॉडी बना रही हैं, बल्कि बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और फिटनेस मॉडलिंग जैसी फील्ड्स में काफी नाम भी कमा रही हैं। दोस्तों, हमारा ये चैनल भी ऐसी दमदार फीमेल बॉडी बिल्डर्स को डेडिकेट है और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक दमदार फीमेल बॉडी बिल्डर की लाइफ स्टोरी लाते रहते हैं। और इसी कड़ी में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डायना खिलीलोवा की मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी। डायना रशिया को बिलोंग करती हैं और ये एक फीमेल बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ एक नामी पावर लिफ्टर भी है। दोस्तों, डायना ने टीनेज में ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि शुरुआत में उन्होंने सिर्फ अपना फिजिक मेंटेन करने के लिए वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, पर जिम में उन्हें हैवी वेट लिफ्टिंग करना काफी पसंद आया और धीरे धीरे उनका रुझान पावर लिफ्टिंग की तरफ बढ़ने लगा। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने बेहद ही दमदार मस्कुलर बॉडी डेवलप करते हुए पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। बतौर पावर लिफ्टर वो काफी कामयाब रही और उन्होंने अपने होम कंट्री रशिया के अलावा वर्ल्ड लेवल पर भी काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में दमदार जीत दर्ज की हुई है। पर समय के साथ साथ उनका रुझान आर्म रेसलिंग की तरफ बढ़ने लगा और फिलहाल वो आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। दोस्तों, काफी टोन और मस्कुलर बॉडी होने के बावजूद डायना ने अभी तक किसी भी बॉडी बिल्डिंग इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, पर हम उम्मीद करते हैं जल्दी वो इस पर भी डिसीजन लेंगी और हम उन्हें बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करते देखेंगे। दोस्तों, अगर डायना के बॉडी स्टेट्स की बात की जाए तो इनकी उम्र लगभग 32 साल है। वही इनकी लंबाई 5 फुट 5 इंच है। इनका कॉम्पिटिशन वेट 56 से 60 किलो के बीच रहता है और इनकी दमदार बाइसेप्स का साइज लगभग 15 इंच ही है। दोस्तों, इस दमदार मस्कुलर वुमेन से जुड़ी ये वीडियो बस यहीं तक। आप लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं, आप कमेंट करके हमें बताएं। और बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।